बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज डे 6। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, चले हम चले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इनका आंसर निकालना है और जो आंसर होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें, सबसे पहला रूल मल्टीप्लाई करने का डेसिमल में क्या है कि आप पॉइंट को पहले हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह हमें मुश्किल होगा तो हम पहले पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे। सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम वो करेंगे और फिर हम देखेंगे हमें डेसिमल किस तरीके से और कैसे लगाना है। ठीक है, तो चलें इसे करते हैं मल्टीप्लाई। 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 3 12, 3 2 6 प्लस 1 7। ठीक है, अब देखें डेसिमल कहाँ है, कितने डिजिट्स के बाद है। अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, ये। ठीक है, लास्ट हर नंबर के बाद एक डेसिमल होता है। अब देखिए ये वाला डेसिमल कितने नंबर्स के बाद मूव हुआ है, 1। तो हम आंसर में अपना डेसिमल कितने नंबर के बाद लगाएंगे, 1। ठीक है, तो हमारा आंसर में डेसिमल आएगा यहाँ पर, हर आंसर इज 7.2। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखें अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक नंबर के बाद था डेसिमल। यहाँ पर कितने नंबर के बाद है, 3 नंबर्स के बाद है डेसिमल। पहले हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम डेसिमल को लगाएंगे। ठीक है, 3 5 15, 3 0 0 1, वैसा का वैसे ही आ गया। 3 9 क्या आता है बेटा, 3 9 आता है 27, 3 7 21, 21 में 2 ऐड किया, 23 and 24। ठीक है, अब देखें ऊपर का जो डेसिमल था, देखें यहाँ से कितने नंबर्स का मूव था, 1 2 3। ये देखें ये जो डेसिमल है कितने नंबर्स के बाद मूव हुआ है, 3 नंबर्स के बाद हुआ है। तो हम आंसर में क्या करेंगे, इस डेसिमल को 3 नंबर्स के बाद मूव करवाएंगे, 1 2 3। अब देखें कहाँ पे आया हमारा डेसिमल, यहाँ पर। आंसर हो गया हमारा 24.715। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स कि सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट ऐसे ही है। आप यहाँ पर 3 नंबर के बाद था, हमने 3 नंबर बाद लगा दिया। 1 नंबर के बाद था, हम डेसिमल पॉइंट को 1 नंबर के बाद लगा देंगे। ठीक है, 3 नंबर्स के बाद, 1 नंबर्स के बाद। लास्ट क्वेश्चन देखें दिस वन, यहाँ पर 3 नंबर्स तो है लेकिन यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई हुए हैं, मीन्स यहाँ के ऊपर जो हमारे पास 1 नंबर था, यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे वो मैं आपको अब बताती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एच को हमने वैसे का वैसे ही उतार लिया है। अब इसको हम जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर हम इसका डेसिमल लगाएंगे। 5 8 40, 5 9 45, 45 में 4 ऐड किया, 46 47 48 49, 5 9 45 एंड 45 प्लस 4 अगेन 49। ठीक है, अब देखें 5 0 0, 8 1 8, 9 1 9, 1 0 0, 9 10 11 12 13 14 15 16 17,
9, 10 और 9, 19। अब देखें यहाँ पर कितने नंबर के बाद डेसिमल था हमारे पास, 1, 2, 3, और यहाँ पर 1, 2। इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, 3 + 2, 5, 5, ठीक है। अब देखें यहाँ का डेसिमल जो होगा वो 5 नंबर्स के बाद पुट करेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ का डेसिमल यहाँ आएगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 4 नंबर्स गिवन थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये ब्लैंक था। जब कुछ नहीं होता तो हम 0 लगा लेते हैं, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे, 0। तो हमारा आंसर हो गया 0.01970, ठीक है बच्चों। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। डेसिमल में हमने मल्टीप्लाई किया था, हम करेंगे डेसिमल का डिवीजन। ये भी बेटा बहुत आसान है, आराम से कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने ए पार्ट उतारा, ए क्वेश्चन नंबर ए उतारा हुआ है, 13। ये हो गया हमारा डिविडेंड और ये हो गया हमारा डिवाइजर, ठीक है। अब आपने देखना है क्या करना है, आपने जहाँ पे सिंपल, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर होगा तो आप इसको होल नंबर कंसिडर करेंगे। अभी हमारे पास होल नंबर ही गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर ये होता तो आप क्या करते हैं, आप इस पॉइंट को, अरे 0 की तो वैसे भी कोई वैल्यू से नेगलेक्ट कर देते और सिंपल आपके पास ये होल नंबर रहता, ठीक है। इसको हम होल नंबर कंसिडर करेंगे तो हमें ईजी होगा डिवाइड करने में। अब देखें 4 के टेबल में 12 आता है, 13 आता है, नहीं आता, 13 से ज़्यादा क्या आता है, 12 आता है। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 3 − 2 = 1, 1 − 1 = 0, 1 आ गया। अब यहाँ पे डेसिमल तो अब क्या करेंगे, ऊपर भी डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। ये जो यहाँ वाला डेसिमल होगा डायरेक्ट ऊपर जाता है अपने स्पेस पे। इस नंबर के बाद डेसिमल था, हमें डेसिमल ऊपर लगा दिया, अब आया 1, 6 वैसा का वैसे ही आ गया। अब देखिए 4 के टेबल 16 है, पढ़े 4 के टेबल 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। तो हमारा आंसर हो गया 3.4। इज इट वेरी सिंपल, है ना सिंपल। अब देखें 13.16, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होंगे, इनमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, 21.95 × 5, ठीक है। देखें 5 × 5 = 25, तो 5 × 4 = 20, ठीक है, 1 − 0 = 1। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था ये तो पॉइंट है, डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो हम यहाँ भी लगा देंगे। अब यहाँ पे आ गया 9। अब बताएं 5 के अंदर 19 आता है, नहीं आता, 19 से छोटा क्या आता है, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 आ गया। अब ये वाला 5 नीचे आ जाएगा, 5 के अंदर 45 आता है, बिल्कुल आता है, कब आता है, 5 × 9 = 45, ये उसका आंसर हो गया 4.39, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा, बहुत आसान है। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।